أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون कुल अंबिया सफा विच साडा नबी इमामे कुल अंबिया सफा विच साडा नबी इमामे सारे अंबिया सफा विच साडा नबी इमामे सारे अंबिया तो उच्चा सारे अंबिया तो उच्चा मेरे आका दा मुकामे कुल अंबिया सफा विच साडा नबी इमामे फलका ते रब ने सदिया मेहमान बनिया रब दा फलका ते रब ने सदिया मेहमान बनिया रब दा जिबरील लैण आया ओ वे लसी अदब दा सिदरात जाके सोना सिदरात जाके सोना बनिया रब दा मेहमान कुल अंबिया सफा विच साडा नबी इमामे सारे अंबिया सफा विच साडा नबी इमामे अर पत्थरां वी कलमा पढ़िया भू जहल दी मुठी विच पत्थरां वी कलमा पढ़िया भू जहल दी मुठी विच जिबरील आवे जावे मेरे आका दी गली विच सरदार नूरियां दा मेरे आका दा गुलामे कुल अंबिया सफा विच साडा नबी इमामे अल्लाह ताला दा बड़ा ही फजलो करम है और अल्लाह ताला दी खास रहमत है कि मालिक कायनात ने सानू जुमे दी अदायगी वास्ते जमा फरमाया। दुआ करो कि अल्लाह ताला साड़ी हाजरी नू अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया इमामुल हुदा वाली बतहा हबीबे खुदा मेरे और तुआडे सारिया दे रहनुमा जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जाते गिरामी वास्ते जीवकार दोस्तों बुजुर्गो भाइयों नौजवान साथियों और निहायत ही इज्जत दिलाए बापरदा बाहया मेरी रूहानी और इस्लामी माओं और बहनों, बंदा मोमिन का एक खास शर्फ हुंदा है। हदीस पाक के अंदर आंदा है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, आजबन लिअम्रिल मुमिन, मोमिन बंदे का मामला बड़ा अजीब हुंदा है। इन असाबतु सर्रा, अगर मोमन बंदे की जिंदगी विच कोई खुशी आ जाए, कोई अच्छा मामला खुशखबरी वाला, कोई एदे फायदे की चीज एदी जिंदगी च आ जाए ते अल्लाह दा शुक्र कर दे। वा इन असाबत हुजर्रा, अगर इनू जिंदगी दे अंदर कोई परेशानी आ जाए, कोई दुख और तकलीफ आ जाए, कोई परेशान करने वाला मामला इहदी जिंदगी च आ जाए ते डिसहार्ट नहीं हुंदा, अल्लाह ताला दी जात तो ना उम्मीद नहीं हुंदा, अल्लाह पाक दी नशुकरी नहीं करदा, अल्लाह ताला दे शिकवे नहीं करदा, बल्कि ए सबर करदा है। ते हर दो सूरतां दे अंदर ही अल्लाह इहदे ते राजी हो जांदा है। जदों बंदा शुक्र करदा है फिर भी अल्लाह राजी हुंदा है, जदों बंदा सबर करदा है फिर भी अल्लाह राजी हो जांदा है। हजरात, जिस तरह साडा ए अकीदा है कि बंदा बीमार हो जाए शिफावां कौन देंदा है? अल्लाह। कारोबार बंद हो जाए तो कारोबार नूं दोबारा कौन चलांदा है? साडियां रहायशगाहां, साडियां बिल्डिंगां, साडे मकान, ये सारियां किंदियां नेमतां ने? अल्लाह ताला दी। ये सारियां नेमतां इंसान नूं अल्लाह ताला ने दित्तियां ने। इंजी साडा ये भी अकीदा है कि औलाद देने वाला कौन है? औलाद देने वाला भी अल्लाह है। बेटे कौन देंदा है ते बेटियां कौन देंदा है? जिवें बेटा पैदा होए ते लोग खुशी करते ने, मिठाइयां तकसीम करते ने, आपस के अंदर एक दूसरे नाल शेयर करते ने, खबरां देते ने, मैनूं अल्लाह पाक ने बेटा दिता है, ते क्या बेटी दे पैदा होण ते बंदे नूं परेशान होना चाहिए? मोमन बंदे दा ते वसफ नहीं हुंदा। एक मोमन बंदा ते बेटी दे पैदा होण ते अल्लाह दा शुक्र अदा करदा है। मैं इंशाअल्लाह इहदे ते चंद दलाइल तुहाडे सामने अर्ज करांगा। हमां तन गोश होके बड़ी मुहब्बत दे नाल समाज फरमाना दरा, अज दे जुमे दे अंदर इंशाअल्लाह मैं तुहानूं दसना है कि बेटियां बायसे रहमत हुआ करती हैं। इस वास्ते इंसान नूं बेटी नाल प्यार करना चाहिए अल्लाह दा हुक्म समझ के, और महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत समझ के। गौर करना, जरा तवज्जो करना, मैं अल्लाह दा पाक कलाम पढ़ना है, तुसी बड़ी मोहब्बत दे नाल समाज फरमाना जरा। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद इमामे कायनात जनाबे मोहम्मद नबी पाक दे नाम ते मोहब्बत दे नाल सारियां दरूदे पाक पढ़ने। मैं नबी पाक दा नाम दोबारा बोलना है, प्यार दे नाल आप ते दरूद पढ़ने। जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते अल्लाह ताला ने कुरान नाजल फरमाया, खालके कायनात ने की ऐलान फरमाया? फरमाया लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज यखलुकु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर।
खालके कायनात दा कुरान अल्लाह फरमा देने आसमाना दा बादशाह भी अल्लाह जमीन दा बादशाह भी अल्लाह यखलुकु मा यशाउ अल्लाह जो चावे पैदा करे अल्लाह चावे जमीन बनावे आसमान बनावे अल्लाह चावे बेटे पैदा करे अल्लाह चावे बेटियां पैदा करे अल्लाह चावे परिंदियां नू पैदा कर देवे जानवरां नू पैदा कर देवे दरिंदियां नू पैदा कर देवे हैवानात नू पैदा कर देवे यखलुकु मा यशाउ तखलीक करन वाली अल्लाह ताला दी जात पैदा करन वाली अल्लाह ताला दी जात फरमाया यह बोली मैं अशाओ इनासल अल्लाह चावे ना जिन्हों चावे बेटियां दे देवे वह यह बोली मैं अशाओ जुकोर ते अल्लाह चावे जिन्हों चावे बेटे ही बेटे अता कर देवे औ जब्वे जो हम जुकरानम व इनासा ते अल्लाह ताला जिन्हों चावे बेटे भी दे देवे बेटियां भी दे देवे ए अल्लाह पाक दियां मर्जियां ए निजामे कुदरत दा ए अल्लाह ताला दियां बनाईयां तकसीमां ने ए मर्जियां ने अल्लाह पाक दियां जे तेनू इस बात ते यकीन है ना कि कारोबार चलान वाला अल्लाह जमीन नू बनान वाला अल्लाह आसमान नू छत बनान वाला अल्लाह चन्न दी चांदनी अता करन वाला अल्लाह सूरज दी रोशनी अता करन वाला अल्लाह जे तेरा ए यकीन है कि आसमान नू सितारियां दे नाल मुजय्यन करन वाला अल्लाह जे तेरा ए यकीन है हवावां दा निजाम चलान वाला अल्लाह जे तेरा ए यकीन है मौसमां दी तब्दीली दा निजाम बनान वाला अल्लाह जे ए तेरा सारे दा सारा यकीन है ना फिर ए भी यकीन रखिया कर के औलाद देन वाला भी कौन है औलाद देन वाला भी अल्लाह बेटे देन वाला अल्लाह बेटियां देन वाला अल्लाह ए अल्लाह ताला दा निजाम है अल्लाह ताला दा बनाया निजाम है गौर करना तरा तवज्जो करना ए जड़ी आयत मैं तुहाडे सामने पढ़ी है ना इस आयत दे विचों सानू दो गल्लां समझ आ रही ने सब तो पहली बात मेरा और तुहाडा तौहीद वाला अकीदा पुख्ता होना चाहिदा है कि पैदा करन वाली कल्ली अल्लाह ताला दी जात दे अल्लाह तो इलावा कोई औलाद नहीं दे सकता अल्लाह तो इलावा कोई बेटे नहीं दे सकता अल्लाह तो इलावा कोई बेटियां नहीं दे सकता सब तो पहले नंबर ते ए तौहीद वाला ए अपना प्यारा अकीदा पुख्ता बना ले अल्लाह अकबर ते दूसरी चीज है अल्लाह ताला ने एक तरतीब दे नाल गल समझाई है फरमाया यहां पुनी मैं अशाउ इनाजल मैं जिन्नू चावा बेटियां दे देवा व यहां पुनी मैं अशाउ जुकुर ते जिन्नू चावा मैं बेटे अता कर देवा हाफिज इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह ताला ले इस आयत दे तनाजुर दे अंदर बड़ी प्यारी बात समझाई है फरमांदे ने अल्लाह ताला ने बेटियां दा जिक्र पहले कीता है कुरान पाक अंदर बेटियां दा जिक्र अल्लाह ताला ने बाद अंदर कीता है एदी वजह की है हालांकि बच्चियां नाल ते बंदे नूं बहुता प्यार हुंदा है बंदा समझदा है मेरे असल वारस मेरे बेटे ने बंदा हर मुकाम ते बंदा हर जगह ते अपने बेटियां नूं अगे रखदा है बंदा जिथे भी जाके तारुफ करवांदा है अपने बेटियां दा तारुफ करवांदा है बंदा बड़े फखर दे नाल अपने बेटियां दे नाम लैंदा है बंदा अपने बेटियां नाल बड़ी मुहब्बत करदा है लेकिन अल्लाह ताला ने पहले बेटियां दा जिक्र कीता है बाद अंदर बेटियां दा जिक्र कीता है अल्लामा इब्ने कय्यम फरमांदे ने एदी वजह ए है जमाने जाहलियत दे अंदर लोग बेटी नू नहूसत समझया करदे सन जमाने जाहलियत दे अंदर लोग बेटी तो नफरत करया करदे सन अल्लाह ने बेटी दा जिक्र पहले फरमा छड़िया अल्लाह ने उस नफरत नू खत्म कर
वास्ते अल्लाह ताला ने बेटियां दी मोहब्बत पैदा करने वास्ते अल्लाह ताला ने बेटियां दा जिक्र पहले कर दिता, बेटियां दा जिक्र बाद अंदर कीता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ईमान वाले हो आओ ना अपनी बेटियां नाल मोहब्बत करिया करो। ये बेटियां अल्लाह दी रहमत होया कर दियां ने। बेटियां तो नफरत करना ये मोमन बंदे दा काम नहीं हुंदा। गौर करना दरा तवज्जो करना। अल्लाह ताला दे कुरान दा दूसरा मुकाम है। खालके कायनात दा कुरान की ऐलान कर दे, फरमाया अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयाति दुनिया वल बाकियातु सालिहातु खैरुन इंदा रब्बी का सवाबं व खैरुन अमला। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह फरमाते ने ए माल ते दुनिया दी जीनत, अल मालु वल बनून ए माल ते बेटे ज़ीनतुल हयाति दुनिया ए दुनिया दी जिंदगी वास्ते जीनत बढ़ाया गया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सोनिया ए ढेसियां दे लोग पूछना चाहते ने, अल्लाह जी तुसी बेटियां दा जिक्र क्यों नहीं कीता, कल्ले बेटियां दा जिक्र क्यों कीता है? फरमाया वल बाकियातु सालिहातु खैरुन इंदा रब्बी का सवाबं व खैरुन अमला। फरमाया मेरे बंदेओ बेटियां दा जिक्र भी सुन लो। बेटियां जड़ियां ने ये कल कयामत वाले दिन तुहाडे वास्ते बायसे निजात बन जाणगियां, बायसे रहमत बन जाणगियां। अल्लाहु अकबर। अल्लाह बेटियां कल कयामत वाले दिन काम आणगियां। गौर करना जरा तवज्जो करना ओ किवें। हदीसे पाक अंदर आंदा है मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी पाक ने फरमाया मन कुन्ना लहू सलासु बनातिन। ऐ मेरे नबी दे फरमान ते गौर करना दरा, हो सकता है किसे बंदे नू गल समझ अंदर आ जाए, क्योंकि आज मेरे तेरे मुआशरे दे अंदर बेटी तो बड़ी नफरत कीती जांदी है, बेटी तो बड़ा कीना रखिया जांदा है, बेटी नू नहूसत समझिया जांदा है। जिदे घर विच बेटी पैदा हो जाए ना माज़ल्ला अस्तग़फिरुल्लाह, लोग अपनियां बीवियां नूं ताने देना शुरू कर देंदे ने। और यकीन जानो ये बदबख्ती है साडे माशरे दी, जिन्हां घरां दे अंदर बेटियां पैदा हो जांदियां ने कई तलाकां हो जांदियां ने इस वजह तों कि दे घर बेटी पैदा हुई है। ये औरत ते है ही बड़ी मनहूस औरत ते, लिहाजा इहनूं तलाक दे के फारग कर दिता जाए। गौर करना जरा तवज्जो करना मेरे नबी दे फरमान ते गौर करना। मेरे आका फरमाते ने मन कुन्ना लहू सलासु बना दिल। फरमाया जेड़े बंदे नू अल्लाह ने तीन बेटियां अता कीतियां, फसाबरा अलैहिन्ना, इन्हां बेटियां दी वजह तो जेड़े दुख आणगे उन्हां दुखां ते सबर कर दे, उन्हां परेशानियां ते सबर कर दे, उन्हां गमां दे उत्ते सबर कर दे। फरमाया वाता माहुन्ना वासाका हुन्ना। फरमाया इन्हां नूं अच्छे अच्छे खाने लिया के खिलांदे, इन्हां नूं अच्छे अच्छे कपड़े लिया के पहनांदे, वासाका हुन्ना, इन्हां नूं अच्छे अच्छे मशरूबात लिया के पिलांदे, अच्छे कपड़े पहनांदे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाया कुन्ना लहू हिजाबं मल कियामा। कल कियामत वाला दिन होएगा ए जड़िया बेटियां ने ना इस बंदे वास्ते निजात दा जरिया बन जानगियां। अल्लाह ताला बेटियां नू इस बंदे और जहन्नम दे दरमियान परदा बना देंगे, पर बेटियां अपने अल्लाह दे सामने इल्तिजा करनगियां। अल्लाह सोनिया साडे बाप नू जहन्नम च नहीं जाना चाहिदा, असी अपने बाप दे दुख नहीं वेख सकदियां, असी अपने बाप दियां परेशानियां नहीं वेख सकदियां। ए बेटियां तो नफरत करना ए ते जमाने जाहिलियत दे अंदर हुंदा सी, जदों नबी पाक तशरीफ नहीं सी लैके आए। मेरे पैगंबर दी आमद दी वजह तो ते बेटी नूं इज्जत मिली है, मुकाम मिलिया है। गौर करना जरा तवज्जो करना हदीसे पाक च आंदा है मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद। नबी पाक दे नाम ते दुरूद मोहब्बत नाल पढ़दे जाना जनाबे मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी पाक ने फरमाया इन्नल्लाहा हर्रम अलैकुम हुकूकल उम्महाती व वअदल बनाती व मनअम वहाती व करिहलकुम कीला व काला व कसरत सुआली व इजातल माल। मेरे आका फरमाते ने कायनात दे लोगो बेशक अल्लाह ताला ने तुहाडे उत्ते मामा दीना फरमानी करना अल्लाह ने हराम करार दे दिता है और बेटिया नू जिंदा दफन करना ये भी अल्लाह ताला ने हराम करार दे दिता है। मेरे पैगंबर दी आमद तो पहला लोग बेटिया तो नफरत करया करते सन, लोग बेटिया नू बोझ समझया करते सन, बेटिया तो नहूसत इख्तियार करया करते सन। अल्लाह अकबर जिस घर अंदर बेटी पैदा हो जाती लोग समझते सन असी ते बाजार विच निकलन दे काबिल नहीं रह गए, लोग ताने दया करते सन ऐ ओ बंदा है जिदे घर अंदर बेटी पैदा हो गई है। अल्लाह अकबर अल्लाह औरत नू आके इज्जत इस्लाम ने दी है। मैं अपनी मामा बहना नू भी मुखातब होके कहना चाहना खुदा रा तुहाडी इज्जत इस्लाम अंदर है, तुहाडी इज्जत दीन अंदर है। अल्लाह अकबर अल्लाह मेरे पैगंबर दी आमद तो कबल दे जड़े हालात सन मौलाना हाली दे बड़े प्यारे जुमले मैं इत्थे पढ़ना चाहना बड़ी मोहब्बत दे नाल सुनना। कबीले कबीले का बुत एक जुदा था, किसी का हुबुल था किसी का सबा था, कोई उज्जा पे कोई नाइला पे फिदा था, इसी तरह घर घर ने आ एक खुदा था। नेहा अपरे जुल्मत ने था मेहरे अनवर, अंधेरा था फारान की चोटियों पर, चलन उनके जितने थे सब वाशियाना, हर एक लूट और मार में था यगाना, फसादों में कटता था उनका जमाना, न था कोई कानून का ताजियाना। वो थे कत्लो गारत में चालाक ऐसे, दरिंदे हो जंगल में बेबाक जैसे, कहीं था मवेशी चराने पे झगड़ा, कहीं पहले घोड़ा तोड़ाने पे झगड़ा, लपे चू कहीं आने जाने पे झगड़ा, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा। यूं ही होती रहती थी तकरार उनमें, यूं ही रोज चलती थी तलवार उनमें, व इन कानू मिन कबलु लफी जलाल मुबीन। ए हालात ने मेरे पैगंबर दी आमद तो पहला, ए जुलम ने मेरे पैगंबर दी आमद तो पहला, ए पैगंबर दी आमद तो पहला बेटियां नू मनहूस समझिया जांदा। कुरान कुरान قال الله تعالى لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور। अल्लाह ताला ने मुआशरे दी इस नहूसत नु दूर कीता, इस जहालत नु दूर कीता, अपने बंदियां नु गल समझाई, फरमाया मेरे बंदियो तखलीक करना ते मैं रब्बे कायनात दा काम है। मैं चावां ते बेटे अता कर देवां, मैं चावां ते बेटियां अता कर देवां, ए मर्जियां ने मैं रब्बे कायनात दियां। अल्लाह अकबर अल्लाह कदा को बादशाह या बादशाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह या बादशाहों को गदा कर दे, मेरे मालिक तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। कभी कुआं कभी मंडी कभी फिर कैद में यूसुफ, कभी एक मिसर का कैदी मिसर का बादशाह कर दे। मेरे मालिक तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। मोहब्बत अल मोहब्बत अल मेरे अल्लाह की रहमत और इनायत देखिए लोगों के मूसा ने निजाए आग पैगंबरी अता कर दे।
मूसा ने निजाए आग पैगंबरी अता कर दे लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज यखलुकु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर ए मर्ज़ियां रब्बे कायनातियां गौर करना जरा तवज्जो करना मेरे पैगंबर दा एक होर फरमान है दुरूद पढ़िए जरा मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फला फरमाया ला तकराहुल बनात ला तकराहुल बनात फरमाया मेरी उम्मत दे लोगो बेटियां तो नफरत ना करया जे बेटियां तो नग नु मुंह ना वटया जे बेटियां तो बुरा महसूस ना करया जे अल्लाहु अकबर फइन्नहुन्ना अलमुनिसातुल गालियात बेटियां अपने मां-बाप नाल बड़ा प्यार करदियां ने बेटियां गाउं ने बेटियां बड़ियां कीमती चीजा ने एक कौन कह रहे ने अल्लाह दे पैगंबर कह रहे ने क्यों कह रहे ने क्योंकि मेरे नबी पाक दी आमद तो पहला तवज्जो करना कुरान ने कुरान फरमाया वा इजा बुशिरा अहदुहुम बिल उनसा जल्ला वजुहु मुसवतम व हुवा कजीम अल्लाह फरमाते ने मेरे नबी दी आमद तो पहला जिस बंदे दे घर विच बेटी पैदा हो जांदी सी उस बंदे दा चेहरा काला स्याह हो जांदा ओ परेशान हो जांदा सी यादा वारा मिनल कौमी मिन सू इमा बुशरा भी ओ लोगां को लुकदा रहिंदा सी छुपदा रहिंदा सी किते लोग मेनू वेख ना लैण किते लोगां दियां नजरां मेरे ते ना पै जाण लोग मेरे ते तबसरे करणगे ऐ ओ बंदा ए जिस बंदे दे घर विच बेटी पैदा होई ए अल्लाहु अकबर अल्लाह ऐसे आलम दे अंदर मेरे नबी ने आके फरमाया फरमाया अल्लाह तकराहुल बनात कायनात दे लोगो बेटियां तो नफरत ना करे आजे बेटियां तो नफरत ना करे आजे फइन्नहुन्ना अलमुनिसातुल गालियात बेटियां बड़ी मोहब्बत करने वालियां बेटियां बड़ियां कीमती चीजा होया कर दियां ने अल्लाहु अकबर ओ जदों लोग बेटियां नु ताना समझिया करदे सन मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा दे बारे फरमाया फातिमा तू बिजा तुम मिन्नी फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़ा है कमाल अंदाज है मेरे नबी पाक दा अल्लाह अकबर अल्लाह मेरा दिल चांदा है तुसी जुमा पढ़ के करानो जाओ ना तुहाडी जुबान ते जुमले होवण ला तकराहुल बनात ला तकराहुल बनात ला तकराहुल बनात हर बंदे दी जुबान ते जुमले जारी हो जान ला तकराहुल बनात बेटियां तो नफरत ना करे आजे बेटियां नु मनहूस ना समझे आजे बेटियां तो ना कमू ना वटे आजे बेटी पैदा हो जाए ते परेशान ना हो जाए अल्लाहु अकबर आज इस कह गुजरे माशरे दे अंदर मैं पैगाम देना चाहना खुदारा लोगो अपनिया बेटियां नाल मोहब्बत करिया करो इबादत समझ के अपनिया बेटियां नाल प्यार करिया करो क्योंकि अल्लामा इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते सन कुल्लु मन युहिब्बुहुल्लाहु व यरज़ा इबादत हर उस चीज नु किया जांदा है जिदे ते अल्लाह राजी हो जाए और जिन्हों अल्लाह देख के खुश हो जाए ना अल्लाह अकबर जिदे नाल अल्लाह प्यार करे मेरा ईमान है जेड़ा बंदा अपनी बेटी नाल प्यार करदा है मेरे नबी दी सुन्नत समझ के करदा है अल्लाह इस बंदे नु पसंद भी करदा है ते अल्लाह इहदे नाल राजी भी हो जांदा है अल्लाह अकबर खुदारा अपनियां बेटियां नाल प्यार करो मैं चाहना कि अज दे जुमे विचों इक लफ्ज़ ते याद करके लै जाओ इक फिकरा ते याद करके लै जाओ ऐ चंद अल्फाज फरमाया ला तकराहुल बनात बेटियां तो नफरत ना करे आजे ला तकराहुल बनात ओए लोगो ए कोई चेयरमैन नहीं कह रहा ए कोई एमपीए ते एमएनए नहीं कह रहा ए कोई मिनिस्टर नहीं कह रहा ए तुआ जहाना दा सरदार पैगंबर कह रहे ते की कह रहे है ला तकराहुल बनात ला तकराहुल बनात ला तकराहुल बनात कायनात
दे लोगो अपनिया बेटियां तो नफरत ना करे आजे फाइन्ना हुन्ना अल्मुनी सातु अल्गालियात ए बेटियां बड़ी मोहब्बत करन वालियां ए बेटियां बड़िया कीमती चीजा होया कर दिया ने बाप ते औखा टाइम आ जाए मां ते परेशानी वाला टाइम आ जाए अल्लाहु अकबर अल्लाह बार दफा बेटे बर्दाश्त कर जाते ने पर बेटियां तो मां बाप दे दुख बर्दाश्त नहीं होया कर दे अल्लाहु अकबर बेटियां अपने घर अंदर भी चलिया जांदियां ने पर मां बाप दे दुख नहीं वेख सकदियां अल्लाहु अकबर इसे वास्ते फरमाया बेटियां तो नफरत ना करे आजे गौर करना आज मैं इस मौजूद इंतखाब क्यों कीता है आखरे गल मैं तुहाडे नाल क्यों करदा पिया वां ए चंद दिन पहले दी बात ते ए सोशल मीडिया दा इस्तेमाल ते तुसी करदे हो ना ए फेसबुक ते चलांदे हो ना चंद दिन पहले एक वीडियो मेरी नजर चो गुजरी है अल्लाह की कसम उन्हें हिला के रख दिता है अल्लाह अकबर एक नहर के अंदर एक छोटे जे बच्चे की लाश तैरती जा रही है अल्लाह अकबर ला चलदियां चलदियां रस्ते के अंदर एक देहात के विचों पानी का गुजर हो रहा है ना इन्हां जना बस्ती वाले देखिया ते जल्दी नाल इस लाश नूं पानी चो बाहर कढ़िया बाहर कढ़ करके देखिया ये छोटी जी बच्ची है ना ये नौ मौलूद बच्ची है पता चलिया ये किसे बदनसीब ने बेटी पैदा होते घर अंदर हुई है उस जालम ने बेटी दी परवरिश करना गवारा नहीं किया अपनी बेटी नूं अपने घर अंदर रखना गवारा नहीं किया अपनी बेटी नूं पालना उस बंदे ने गवारा नहीं किया अल्लाह अकबर अल्लाह खुदारा लोगो बेटियां पासे रहमत हुआ करती हैं इन्हां बेटियां नाल जुल्म ना करिया कर इन्हां बेटियां नाल ज़ियाती ना करिया कर इन्हां बस्ती वालियां चुकिया इस बच्ची नूं इस बच्ची दा जनाजा पढ़ के दफन कीता अल्लाह अकबर ऐसे जालम भी अज मेरे तेरे माशरे दे अंदर मौजूद ने जिहड़े इस कदर अपनिया बेटियां नाल जुल्म करदे ने जिहड़े इस कदर अपनिया बेटियां नाल ज़ियाती करदे ने अल्लाह अकबर अल्लाह ओए जिहड़े नबी दा मैं ते तू कलमा पढ़िया है उस पैगंबर दा फरमान सुन लै ना तरा फरमाया मन कुन्ना लहू सलासु बना दिन जेड़े बंदे नू अल्लाह ने तीन बेटियां दित्तियां ने वो बेटियां दी अच्छी तरबियत करदा है अच्छा खाना खिलांदा है ते अच्छे मशरूबात पिलांदा है अच्छे कपड़े अपनियां बच्चियां नू पहनांदा है इन्हां दे दुखां दे उत्ते सबर करदा है फरमाया कुन्ना लहू हिजाबन यौमल कियामा अल्लाह अकबर कल कयामत वाले दिन जहन्नम दे दरमियान ये बेटियां पर्दा बन जाणगियां इस वास्ते सोणिया इन्हां बेटियां नाल प्यार करिया कर जदों मेरे नबी ने गल दसी है ना हाए सहाबा दे दिल अंदर किन्नी तड़प पैदा हो गई लोगां दे दिल किन्ने नरम हो गए वो लोग जिहड़े कल बेटियां जिंदा दफन कर रहे सन वो लोग जिहड़े कल बेटियां दा कतलेआम कर रहे सन उन्हां लोगां दे दिल किड्डे नरम हो गए एक बंदा उठ करके खड़ा हो गया कहण लगा महबूब जी जिहड़े बंदे नूं अल्लाह ने दो बेटियां दित्तियां ने उन्हूं की करना चाहिए क्या उहदे वास्ते भी अजर है कि नहीं जिहड़ा तुसीं तिन्नां बेटियां वालियां वास्ते बयान फरमाया है क्या दो बेटियां वाले नूं ही इह सवाब मिलेगा कि नहीं अगर वो अपनी बेटियां दी अच्छी तरबियत करदा है अगर वो अपनियां बेटियां नूं अच्छे कपड़े पहनांदा है अल्लाह अकबर मेरे आका फरमांदे ने हाँ हाँ उस बंदे नूं ही अजर मिलेगा जिहड़ा अपनियां दो बेटियां दी तरबियत सोहणी करदा है अल्लाह अकबर अल्लाह तां ते तर्जमा इंज करना चाहना ओ दो बेटियां पालियां जिन्ने उन्हूं पाक नबी फरमा गए दो बेटियां पालियां जिन्ने उन्हूं पाक नबी फरमा गए होया साथ नसीब नबी दा बड़े आला रुतबे पा गए दो बेटियां पालियां जिन्ने उन्हूं पाक नबी फरमा गए होया साथ नसीब नबी दा बड़े आला रुतबे पा गए ओ बेटी खुशबू भरिया फुल लोगो बेटी खुशबू भरिया फुल लोगो ना मिले बाजारों मुल लोगो ना मिले बाजारों मुल लोगो ए हीरा मोती अनमोल लोगो ए हीरा मोती अनमोल लोगो तागिर मुकदी गल मुका गया तो बेटियां पालियां जिन्ने
ओनू पाक नबी फरमा गया दो बेटियां पालिया जिन्ने ओनू पाक नबी फरमा गया और दो बेटियां जेड़ा पालेगा दो बेटियां जेड़ा पालेगा नाले अदब अदाब सिखा लेगा नाले पाले ते संभालेगा नाले पाले ते संभालेगा ओ आखिरत अपनी बना गया दो बेटियां पालिया जिन्ने ओनू पाक नबी फरमा गया मन कुन्ना लहू सलास बना तेन अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो करते जाना दरा गौर करते जाना मेरे नबी दा अंदाज कैसा सी मेरे नबी पाक अपनिया बेटियां नाल किवें प्यार करया करते सन जरा गौर करना सैयदा अम्मी जान आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा रावीया ने फरमादिया ने सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जदो नबी पाक ने घर तशरीफ ले आया कर दिया आपने आंगन अंदर आया कर दिया आपने वेड़े अंदर आया कर दिया अल्लाह दे पैगंबर अपनी बेटी नू देख करके आप इतना खुश होया कर दे आप उठ करके खड़े हो जाते सन सुबहान अल्लाह आप अपनी बेटी का इस्तकबाल करया करते सन ओ उम्मती ओ तुसी भी अपनी बेटिया नाल एहतराम करया करो एक कड़वी गल मैं कहन लगा वा हो सकता है किसी बंदे नूं अच्छी ना लगे लेकिन हक समझ के इस मिंबर दा तकाजा समझ के बयान कर लगा मैं खुदारा अपनियां सारियां जायदादां अपने पुत्रां दे नां ना ला जाया कर बाबा जी अपनियां बेटियां ते जुलम ना करया कर औखे वेले धीआं ही बंदे दे काम आंदियां ने ते कल कयामत वाले दिन जे तू इन्हां दा हक मार के दुनिया तो गया इन्हां बेटियां तेरा गिरेबान पकड़ लैणा ही इस वास्ते डर जा डर जा अपने अल्लाह दे कोलो अपनिया बेटिया का हक दे के जाया कर अल्लाह अकबर ऐ वाकिया ते सोशल मीडिया ते बड़ा आम है सुबान सदे आम वाकिया है मेरे ज़ेहन अंदर आया मैं तुहानू पेश कर देना अल्लाह अकबर अल्लाह एक बंदा जनाब दूर दराज दे इलाके तो चलता सफर करता बुढ़ा बुजुर्ग आ रहा है अल्लाह अकबर ऐ असरे हाजर का वाकिया ही ना अल्लाह अकबर अल्लाह एन करके आगे मुकाम ते उतरे अद्धी रात का टाइम है ना अल्लाह अकबर सवारी कोई नहीं हूँ इस बुजुर्ग ने सफर करके अपने देहात अंदर जाना है पुलिस वाले ने देखा अल्लाह अकबर अल्लाह कहन लगे बाबा जी तुसी कितों आए हो ते कित्थे जाना है इस बाबे ने अपनी मंजिल दसी है कहन लगा बेटियों मैं फलां जगह ते जाना है ये कहन लगे बाबा जी कोई तुहाडे कोल काल नंबर है असीं तुहाडे बेटे नूं काल करने आ तुहाडा बेटा आके तुहानूं लै जाए अल्लाह अकबर अल्लाह इस बुजुर्ग ने अपने बेटे का नंबर दिता है ना काल मिलाइए बाबा जी ने अपना दसिया है अल्लाह अकबर बेटा मैं फलां जगह ते खड़ा वा मैनू इस मुकाम तो आके लै जाओ अल्लाह अकबर ए ता बेटा बड़ा बेअदब ते बदतमीज है कहन लगा अब्बा तेनू किन्ने आखिया है अद्धी अद्धी रात तक मैनू परेशान करया कर जा इत्थे किधरे सो जा मेरे तो अद्धी रात नहीं आया जांदा अल्लाह अकबर बाबा दिल बर्दाश्ता हो गया परेशान हो गया अल्लाह अकबर एदियां अखां चों आंसू आ गए मैं हदीस दा तर्जमा तेनू समझाना चाहना वा जरा गौर करे आजे ए पुलिस वाले समझ गए कहन लगे बाबा जी वजह की है सानू दसो ना असी तुहानू पिंड छड़ के आवांगे अल्लाह अकबर ए बाबा कहन लगा पुत्रो मैं सुना फरमान बेटे दे घर जाना नहीं जड़ा इतना बदतमीज है जड़ा इस वक्त मेरे नाल रवैया इख्तियार कर रहा है फिर बाबा जी कोई होर नंबर है तुहाडे कोल कहन लगा हां हां मेरी एक बेटी है ओदी फलां इलाके च शादी हुई फलां पिंड अंदर ओदा नंबर मैं तुहानू देवां अल्लाह अकबर बेटी दा नंबर मिलाया अद्धी रात दा टाइम है अल्लाह अकबर बेटी जनाब नरम दिल वाली मुहब्बतां करन वाली कहन लगी अब्बा जी तुसी परेशान नहीं होना इत्थे रुको मैं हुणे ही तुहाडे आम दा इंतजाम करनी आ और कायनात दे लोगो पांच दफा बेटे अपने मां बाप दा दुख बर्दाश्त कर लैंदे ने पर बेटियां तो दुख बर्दाश्त नहीं होया करदे तां ते मेरे नबी ने फरमाया ला तकराहुल बनात ला
तक राहुल बनात ओए लोगो बेटियां तो नफरत ना करे आजे फाइन्ना हुन्ना अलमोनी साधु अलगालियात ए बेटियां बढ़िया मोहब्बत करने वालियां ए बेटियां बढ़िया कीमती चीजा होया कर दिया ने सोने अल्लाह दे नबी दी सुन्नत समय के प्यार करे आ कर सैयदा फातिमा मेरे नबी दे घर दे अंदर आ जांदियां आप उठ के जाया कर दे आप इस्तकबाल करे आ कर दे मैं हदीस अंदर पढ़िया है आप पेशानी दा बोसा दिया कर दे सन ए भी मैं हदीस अंदर पढ़िया है आप अपनी जगह छड़ के अपनी बेटी फातिमा नु बिठाया कर दे रजी अल्लाह तआला अनहा कायनात दे लोगो ए अंदाज़े मेरे नबी पाक दा इस वास्ते खुदारा इस माशरे दे अंदर बेटियां नाल मोहब्बत कीती जाए बेटियां नाल प्यार कीता जाए इन्हां बेटियां ते जुल्म ना कीता जाए अल्लाह अकबर ईमान वाले कदों अपनियां बेटियां तो नफरत करदे ने ईमान वाले कदों अपनियां बेटियां नूं नहूसत समझदे ने गौर करना जरा तवज्जो करना हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह इन्हां दे बेटे हजरत साले फरमाया करते सन मेरे घर जदों भी बेटी पैदा हुंदी सी ना मेरे बाप अहमद बिन हंबल आ जांदे सन ते आके क्या करते सन बेटा परेशान ना होवी अल अंबिया उ कानू आबा उ बना दिन नबी बहुते अल्लाह ने बेटियां दे बाप बनाए ने बहुते नबियां नु अल्लाह ने बेटियां दितियां ने इस बात ते बेटी दी पैदाइश ते परेशान नहीं होना बेटी दी पैदाइश ते गमजदा नहीं होना अल्लाह अकबर हजरत याकूब बिन बुख्तान रहमतुल्लाह ताला ले फरमांदे ने अल्लाह ताला ने मेनू सात बेटियां अता कीतियां ते हर बेटी दी पैदाइश ते हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल ओ जिन्हां नूं इमाम ने अहली सुन्ना किया जांदा है रहमतुल्लाह ताला ले आप आया करदे सन ते आप आके तसल्लियां दिया करदे सन अल अंबिया उ कानू आबा उ बना दिन अल्लाह अकबर बेटा परेशान ना होवी बहुते नबी बेटियां दे बाप सन अल्लाह अकबर अल्लाह खुदारा अपनिया बेटिया का एहतराम कीजिए मुहब्बत नाल अपनिया बेटिया नू रखिया कर अपनिया बेटिया दे चाह पूरे करिया कर अपनिया बेटिया नाल सुन्नत समझ के प्यार करिया कर अल्लाहु अकबर ओए अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने तिया ते परौणियां हुंदियां ने अल्लाह दी रहमत हुंदी दिया ने दिया ते परौणियां गुंदिया ने मां नाल वफावां कर दिया ने बाबा ली दुआवां कर दिया ने फइन्नहुन अलमूनी साधु अलखालियात ए हदीस दा तर्जमा मां नाल वफावां कर दिया ने बाबा ली दुआवां कर दिया ने मां बाप दी हिम्मत हुंदिया ने मां बाप दी हिम्मत हुंदिया ने दिया ते परौणियां हुंदिया ने अल्लाह दी रहमत हुंदिया ने दिया ते परौणियां हुंदिया शिकवा कर तकदीरां दा बड़ा मान इनां नूं वीरां दा ना शिकवा कर तकदीरां दा बड़ा मान इनानू वीरां दा वीरां दी गैरत हुंदियां ने तियां ते परौणियां हुंदियां ने अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने तियां ते परौणियां हुंदियां ने ओ जद अपने घर तुर जांदियां ने वेड़ा सुंजा कर जांदियां ने ओ जातियां पीड़े घर तुर जांदियां ने वेड़ा सुंजा कर जांदियां ने ओ वेड़े दी रौनक हुंदियां ने वेड़े दी रौनक हुंदियां ने तियां ते परौणियां हुंदियां ने अल्लाह दी रहमत हुंदी ने दिया ते परौणियां खुंदिया ने काल अल्लाह ताला अल मालु वल बनूना जीनतुल हयाती दुनिया वल बाकियातु सालिहातु खैरुन इंदा रब्बी का सवाबन व खैरुन
अमला। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हजरात तवज्जो कर दे जाना, तेरा गौर कर दे जाना। मेरे आका ने की फरमाया है, जेड़े बंदे नु मनी बतुलिया मिनल बनाती बिशैन, जेड़े बंदे नु अल्लाह ताला बेटियां दी वजह तो अजमाए, बेटियां दी वजह तो ओदे ते कोई परेशानी आ जाए। हां सच्ची गल है, मां बाप भी अपनी धियां दे दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते। मां बाप मंजी नाल मंजी हो जाते ने, अगर धियां दे दुख आ जान मां बाप नु, अल्लाहु अकबर, जवान मां बाप भी बुढ़े हो जाते ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जिन्हां नु बेटियां दी वजह तो परेशानी आ जाए, जिन्हों बेटियां की वजह तो दुख आ जा, जिन्हों बेटियां की वजह तो अजमैशा आ जा, अल्लाह अकबर, बेटियां के दुख अल्लाह की कसम मां बाप को कब्र तक ले जाते हैं। अल्लाह दे बंदे आ, लोगों दिया बेटिया का भी हया करिया कर, अपनी बेटी नाल तेनू प्यार है, लोगों दिया बेटिया भी अपनिया बेटिया समझिया कर, लोगों दिया बहनों अपनिया बहन समझिया कर। अल्लाह अकबर। अल्लाह आ जाइए जरा तवज्जो करते जाना, तरबीयत सोनी करने वाला बंदा, अपनियां बेटियां दा इहतराम करने वाला बंदा, इन्हां नूं अच्छे बुरे दी तमीज सिखाने वाला बंदा, अल्लाह ताला नूं किन्ना प्यारा लगदा है। और ये अल्लाह वालियां दा वसफ हुंदा है, अल्लाह दे नेक बंदियां दी सिफत होया करदी है। बेटियां नूं अच्छी तरबीयत देना, ये नहीं कि सिर्फ अपनियां बेटियां नूं खाने अच्छे खिला, कपड़े अच्छे पहना, लेकिन तेरी बेटी कोल मोबाइल है, तेनूं ये ही पता ना होवे मेरी बेटी किहदे नाल गल कर रही है, मेरी बेटी किस तरह का मोबाइल इस्तेमाल कर रही है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तेरी बेटी आधी आधी रात तक अपने आशना नाल गुफ्तगू करती होए, बाप नु पता ही ना होए, मोहब्बत का अंदाज ऐसा नहीं होना चाहिए। तेरी बेटी गैर महरम के नाल सफर करे, बाप नु खबर तक ना होए, अल्लाहु अकबर, ऐसा ऐसा एहतराम नहीं होना चाहिए, ऐसी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। गौर करना, दरा तवज्जो करना, अपनी बेटी की तरबीयत ऐसी कर, अपनी बेटी दी, अपनी बेटी दी परवरिश इस अंदाज नाल कर जिदी अक्कासी अल्लाह दा कुरान करदा है। गौर करना, तेरा तवज्जो करना, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद इमामे कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते अल्लाह ताला ने कुरान नाजल फरमाया। खालके कायनात ने सैयदना जनाब मूसा अलैहि सलाम दा जिक्र फरमाया, फरमाया वलम्मा वरादमा अमदियनम وجد عليه امه من الناس يسقون ووجد من دونه امراتين تزودان قال ما خطبكما قال تعالى نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ الكبير الله اكبر الله غور کرنا ذرا توجہ کرنا حضرت موسی علیہ السلام دے کول مصر دے اندر ایک قبطی कतल हो गया। हजरत मूसा अलैहि सलाम मदीन दा सफर कर रहे ने, मदीन दा सफर कर रहे ने, कुरान है कुरान, फरमाया वलम्मा वरादमा मदीन वजदा अलैहि उम्मतन मिनन नास यस्कून। हजरत मूसा अलैहि सलाम दा गुजर एक मदीन दे कुएं दे कोलो होया। जनाबे मूसा अलैहि सलातु व सलाम बड़े परेशानी दे आलम दे अंदर ने, हजरत मूसा इंज करके दरख्त दे नीचे खड़े होए ने, लोग इस कुएं तो आके अपने जानवरों को पानी पिलाई जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ते दो बच्चियां ए जवान लड़कियां अपने जानवरों नु लेके पीछे खड़िया ने, अपने मवेशियों नु लेके पीछे खड़िया ने। जदो सारे लोग पानी पिला लिया, ए बच्चियां फिर जाके अपना बच्चिया खचिया पानी पिलान लगिया। जनाबे मूसा कहन लगे काला मा खतबुकुमा, अल्लाहु अकबर, तुहाडा की मामला है, तुसी क्यों पीछे खड़िया रही, लोग पानी पिला के चले गए, तुसी हुण क्यों आई। अल्लाहु अकबर। ए बेटियां कहन लगियां काला ता ला नस्की हत्ता युस्तिर रिया वा अबूना शेखुल कबीर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह साडा बाप बुड्ढा बुजुर्ग है, साडा भाई है ही कोई नहीं, असी दोवें जवान भैणा बकरियां लैके आनियां वा, जदों तो लोकी पानी पिला लेंदे ने, अल्लाहु अकबर, साडे बाप ने साडी तरबीयत सोहणी कीती है, असी हयावां वालियां शर्मा वालियां, असी लोगां ते हजूम अंदर दाखल होना पसंद नहीं करदियां। जदों लोग पानी पिला के चले जांदे ने, असी लोगां दा बचिया खचिया पानी अपने जानवरां नूं पिला के जानियां वा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम नूं इन्हां ते बड़ा तरस आया,
हजरत मूसा अलैहि सलाम ने इन्हां दी मदद करके जनाबे मूसा मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ अंदाज अंदर लिखिया है अल्लाह अकबर ओ कुआं जिन्हों चलान वास्ते 40 बंदियां दी जरूरत होया कर दी जनाबे मूसा कल्ले ही उस कुएं दे विचों पानी निकाल के इन्हां दे जानवरां नूं पिलाई जा रहे अल्लाह अकबर अल्लाह कुरान कुरान फरमाया फजात हो एहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया अल्लाह अकबर अल्लाह قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا الله اكبر الله ایک جین کر کے واپس آئیاں نے جدو پانی پلا کے چلیاں گئیاں گھر اندر اپنے باپ نو ساری گل سنائی ہے ابو جی اسی پہلے جانوراں دا بچیا پانی اپنے جانوراں نو پلاندیاں اج کلا دا بڑا نیک بندہ سانو مل گیا اونے تازہ پانی کنویں دے وچوں کڈ کے ساڈے جانوراں نو پلایا اللہ اکبر اللہ बाप बड़ा मुतासर होया है फरमाया बेटियो जाओ नजर उस बंदे नु लब के ते ले आओ वो कितना अजीम आदमी है जेड़ा कमजोर लोगों की मदद करने वाला है अल्लाह अकबर अल्लाह ए हजामा वालियां ए शर्मा वालियां ए फरमा वालियां ओए सोनिया इंज दी तरबियत करया कर अपनियां बेटियां दी खुदारा प्यार भी करया कर लेकिन तरबियत अंदर किसी किस्म का कंप्रोमाइज ना करया कर अल्लाह अकबर अल्लाह ए दोवें बेटियां आ रही ने कुरान नक्शा खिंच रहा है अल्लाह अकबर आज भी एक बेटी है जिदे तज़करे अखबारों के अंदर आ रहे ने जिदे फैशन अखबारों के अंदर आ रहे ने और जिदे हुस्न के तज़करे अखबारों के अंदर आ रहे ने अल्लाह अकबर वो एक ऐवी बाप दियां बेटियां ने जिन्हां दे तज़करे अल्लाह दे कुरान अंदर आ रहे ने फजाअतुहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया और जिन्हां दे हयामा दा जिक्र अल्लाह दा कुरान कर रहे है फजाअतु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया अल्लाहु अकबर अल्लाह ए आ रहीयां ने शर्म दे नाल आ रहीयां ने हयामा दे नाल आ रहीयां ने ओए अजीम औरतां ने जड़ियां हयामा वालियां शर्मा वालियां अपनी इज्जत दा भी ख्याल रखण वालियां अपने मां-बाप दी गैरत दा भी ख्याल रखण वालियां अल्लाहु अकबर अल्लाह ए दोवें बेटियां हया और शर्म वालियां जनाबे मूसा अलैहि सलाम नु आके कहन लगियां कि तुहानू साडा बाप पुड़ा रहे कालत इहदाहुमा या अबत इस्ताजिर अपने बाप नु कहन लगियां अबू जी इनू ते मजदूरी देनी चाहिदी है ये इतना अजीम आदमी है ये गरीबां दा माड़े बंदियां दा कमजोरां दा इतना ख्याल रखण वाला है कालत इहदाहुमा या अबत इस्ताजिर इन खैरा मन इस्ताजरत अल कवीजुल अमीन قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمانية حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشك عليك ایک تفصیلی واقعہ ہے لیکن حضرات میں جس بات کا ذکر کرنا چاہنا بنیادی طور پہ آئیے اپنی بیٹیاں نال محبت کیجئے اپنی بیٹیاں نال آپ کی سنت سمجھ کے پیار کیجئے اور پھر پیار دے اندر تربیت دے اندر کسی قسم دی کمی نہیں آنی چاہیے अपनी बेटी नू हयादार बनाइए अपनी बेटी नू बापरदा बनाइए अपनी बेटी दे हर किस्म दे लवाजमात दा ख्याल रखण दे नाल नाल अपनी बेटी नू कुरान वाली बनाइए अपनी बेटी नू दीनदार बनाइए और जहेज दा मौका हुंदा है अपनी बेटी नू जहेज विच एलसीडियां ना लेके दिया कर अपनी बेटी वास्ते डिशां दा इंतजाम ना करिया कर बल्कि अपनी बेटी नू मिशकात लेके दिया कर अपनी बेटी नू बुखारी तर्जमे वाली लेके दिया कर ताकि जिस घर अंदर वो जा रही है उस घर दा भी जाके अंदाज बदल जाए उथों दा माहौल बदल जाए अल्लाह ताला मेरी और तुहाडी खास मदद फरमाए इस मामले दे अंदर कि असी अपने मुआशरे नू बेहतर अंदाज नाल दीनदार बना सकीए व आखिर दावा इन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سارے دوست احباب بھائی چونکہ تو صاحباب نو علم ہے کہ مسجد دی کنسٹرکشن دا کام جاری ہو ساری تو سارے دوست بھائی دل کھول کے بڑی محبت اور بڑے پیار دے نال अपने अपने जेब दे विचों बड़े ही खलूस नीयत दे नाल और खुले दिल दे नाल अल्लाह दे इस घर वास्ते तआवुन फरमाया करो अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए
माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा और मिसाली इंतजाम अल्लाह दे फजल व करम दे नाल जारी हो सारी है। अल्लाह ताला तमाम मुआविनीन नू जज़ाए खैर अता फरमाए कि जो इस कार खैर दे अंदर अपनी पूरी हिम्मत और कोशिश दे नाल इनू बेहतर तो बेहतर बनाने वास्ते किरदार अदा कर रहे हैं। अल्लाह पाक उन्हां दे रिज़क अंदर, कारोबार अंदर, माल दे अंदर अल्लाह बरकत फरमाए। तो तुसी भी जितने साथी तावन कर रहे हो थोड़ा या ज़्यादा, अल्लाह पाक तुहानू भी जज़ाए खैर दे, अल्लाह सारयां दे रिज़क दे अंदर बरकत फरमाए। कोशिश करया करो कम अज़ कम जुमे वाला दिन हुंदा है तो कोई ना कोई अल्लाह दे रस्ते दे अंदर इस अंदाज नाल निकल जाए, अल्लाह अपना खास फजल फरमाए। एक ऐलान है कि अज रात बाद नमाज़े इशा इसी जामिया मस्जिद अक्सा अहले हदीस के अंदर एक दरसे कुरान दा इनेकाद किया गया है, जिस दे अंदर मुख्तरम जनाब हजरत मौलाना फजीलत शेख खालिद सैफुल इस्लाम बट्टू साहब हफीज़हुल्लाह ताला वो खिताब इरशाद फरमाएंगे अज ही इशा की नमाज तो बाद। तो मेरी खसूसी दरख्वास्त और गुजारिश है कि सारे दोस्त अहबाब भाई अज इशा की नमाज जी है वह बाजमात आके मस्जिद से अदा फरमाओ ताकि इस प्रोग्राम के अंदर तुम बाकायदा तौर पर शिरकत फरमा सको। अल्लाह ताला मेरी और तुहाड़ी हिदायत और निजात का जरिया बनाए। 8 दिसंबर जुमेरात वाले दिन इशा की नमाज तो बाद इसी जामे मस्जिद अक्सा अहले हदीस के अंदर एक तबलीगी और इस्लाही दरसे कुरान व हदीस का इनेकाद किया गया है, जिसके अंदर खतीब पाकिस्तान इज़्ज़त माब मोहतरम जनाब मौलाना कारी इस्माइल अतीक साहब हफीज़हुल्लाह ताला अपने बड़े ही खूबसूरत अंदाज के अंदर, पुरसोज अंदाज के अंदर बयान इरशाद फरमानगे। मेरी खसूसी दरख्वास्त है तमाम दोस्तों अहबाब 8 दिसंबर जुमेरात वाले दिन यानी जड़ी जुमेरात आ रही है उसी इशा की नमाज आके बाजमात इस मस्जिद के अंदर अदा फरमाओ। इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत दरसे कुरान व हदीस का इनेकाद हो रहा है, तो सारे दोस्त अहबाब भी ज़रूर इस दिन अंदर शिरकत फरमाना। एक ज़रूरी ऐलान है, भाई कह रहे हैं मेरी वालदा जो कि मक्का मुकरमा में फौत हो गई थी उनका गायबाना नमाज जनाजा जो है वो अभी जुमातुल मुबारक के बाद इधर मस्जिद में पढ़ाया जाएगा, तो तमाम दोस्त अहबाब नमाज जुमा के फौरन बाद यहीं तशरीफ़ रखें, इंशाल्लाह नमाज जनाजा अदा होगी। सारे दोस्त अहबाब खलूस नीयत के साथ उसमें दुआ फरमाएं और ये जिस भाई की वालदा फौत हुई है उसके लिए खसूसी अल्लाह ताला से इल्तिजा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन माजी की मगफ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक उनके दर्जात अपनी जन्नत में बुलंद फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी हसनात को कबूल फरमाए, उनकी सैयाद से दरगुजर फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।